सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ही होंगे। तो फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही कमाल का फोटो एडिटिंग लेकर। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। तो आपको भी सीखना है ऐसा फोटो एडिट करना, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा ओरिजिनल फोटो है, आप लोग देख सकते हैं कैसा है। और यह हमारा एडिट फोटो है। हम लोग अपने ओरिजिनल फोटो को शेयर करेंगे सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो हमारा फोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ चुका है। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कर्वर्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे हल्का सा ऊपर कर देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। फिर से टूल्स वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टून इमेज पर क्लिक करेंगे और हम लोग एम्बिनियंस को हल्का सा बढ़ा लेंगे और हाईलाइट कम कर देंगे और साइडो को हल्का सा बढ़ा लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। अब अपने फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुका है। हम लोग यहाँ पे एक प्रीसेट को यूज करेंगे। प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यह हमारा प्रीसेट है। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और कॉपी सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे और अपने फोटो पर आएंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट सेटिंग कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो एक ही क्लिक में कितना अच्छा हो गया। हम लोग यहाँ से कलर वाले पर आएंगे और यहाँ से मिक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ब्लू कलर को ले लेंगे और इसका सेचुरेशन हम लोग माइनस कर देंगे और यहाँ से इसका भी हम लोग सेचुरेशन हल्का सा माइनस कर देंगे और यहाँ से ऑरेंज पर आएंगे और यहाँ से डन कर देंगे। अब अपने फोटो को शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो हमारा फोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ चुका है। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेलेक्टिव ऑप्शन को ले लेंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का मतलब कुछ इस टाइप का गोल्डन कलर का है। तो हम लोग इसका कॉन्ट्रेस्ट माइनस कर देंगे और यहाँ से हम लोग ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। और फिर से टूल्स वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्टिव ऑप्शन को ले लेंगे और यहाँ पर आएंगे और इसे हम लोग हल्का सा बड़ा करके कुछ इस टाइप से लाइट दे देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। अब अपने फोटो को शेयर करेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, हमारा फोटो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में आ चुका है। हम लोग यहाँ पे एक ब्रश को यूज करेंगे। यह हमारा ब्रश है, इसका सेटिंग आप लोग देख लीजिए। फॉलो को रख लेंगे 5% और स्ट्रेंथ को रख लेंगे 20% और साइज अपने फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। और अपने फोटो पर आइएगा और इसे हल्का हम लोग कुछ इस टाइप से ही अपने फोटो पर चलाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा फेस कितना अच्छा अब स्मूथ हो रहा है। आप लोग भी ऐसे ही स्मूथ कर लीजिएगा। मैं वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो।
तो फ्रेंड्स हमारा फोटो अब स्मूथ हो चुका है, हम लोग यहाँ सब अपने फोटो को शेयर कर देंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स हमारा फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ चुका है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कलर स्प्लैश को ले लेंगे और इस गोले को ले जाकर अपने फेस पर छोड़ देंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो का बैकग्राउंड एक ही क्लिक में पूरा ब्लैक हो गया और यहाँ से डन कर देंगे। अब हम लोग अपने PNG को ऐड करेंगे, PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा PNG ऐड हो चुका है, हम लोग इसे हल्का सा बड़ा करके कुछ इस टाइप से लगा देंगे अपने कपड़े के पास और यहाँ से डन कर देंगे। हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस कलराइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम लोग इरेजर पर क्लिक करेंगे और हम लोग इसे इन्वर्ट कर देंगे और रीस्टोर पर क्लिक करेंगे और हार्डनेस को हल्का सा बढ़ा देंगे और साइज को भी, और अपने कपड़े पर कुछ इस टाइप से चलाएंगे। PNG के अंदर ही चलाइएगा आप लोग, मैं जैसे चला रहा हूँ आप लोग भी ऐसे ही चला लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो अभी हम आपको एडिट करके दिखाऊंगा। आप लोग भी ऐसे ही लगा लीजिएगा। हमारा कलर अब लग चुका है और यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। अब अपने फोटो को से हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कलर वाले पर आएंगे और इस हम लोग कलर पे हम लोग इस गोले को ले जाकर अपने कलर वाले पर छोड़ देंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा कलर यहाँ से चेंज होगा, हम लोग इस कलर को ले लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ से हम लोग अपने फोटो को शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स हमारा फोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ चुका है, टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर्वर्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस हम लोग गोले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ब्लू कलर को ले लेंगे और इसे हम लोग कुछ इस टाइप से हल्का सा बढ़ा देंगे और इस ग्रीन को भी हम लोग हल्का सा बढ़ा देंगे, माइनस ही कर लीजिएगा आप लोग भी। और यहाँ से हम लोग रेड वाले का पूरा माइनस कर देंगे और यहाँ से हम लोग डन कर देंगे और फिर से हम लोग इस एरो वाले पर क्लिक करेंगे और VVD पर क्लिक करेंगे और हम लोग अपने फोटो पर आएंगे और कुछ इस टाइप से अपने बैकग्राउंड पर चला देंगे। आप लोग भी ऐसे ही चला लीजिएगा। हमारा कलर अब लग चुका है, हम लोग यहाँ से डन कर देंगे। अब अपने फोटो को शेयर करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स हमारा फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ चुका है, हम लोग ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग एक PNG को ऐड करेंगे। PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा PNG ऐड हो चुका है, हम लोग क्रॉप वाले पर क्लिक करेंगे और इसे हम लोग क्रॉप कर देंगे और इसे हल्का सा बड़ा कर देंगे और इसे हम लोग ब्लेंडिंग मोड कर देंगे और अपने बैकग्राउंड पर कुछ इस टाइप से लगा देंगे। इसका डुप्लीकेट लेकर आप भी लगा दीजिएगा बैकग्राउंड पर। और यहाँ से डन कर देंगे। अब हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ब्लर वाले पर क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पर इरेजर पर क्लिक करेंगे और इसे इन्वर्ट कर देंगे और अपने बोकेन पर कुछ इस टाइप से चलाएंगे, बैकग्राउंड बोकेन पर। आप लोग भी चला लीजिएगा, इससे हमारा बैकग्राउंड लाइट में आता है।
मैं अपने बैकग्राउंड पे चला लिया हूँ और यहाँ से डन कर देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।